हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम अक्टूबर मंथ सिविक्स चैप्टर 5 रीड करेंगे, जो है हमारा पंचायती राज। पंचायत इलेक्शंस वर बीइंग हेल्ड इन सम स्टेट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के कुछ हिस्सों में, स्टेट्स में पंचायत के इलेक्शंस हुए। द टेलीविजन चैनल्स वर फुल ऑफ विजुअल्स। टीवी चैनल्स पर दिखाया गया, उनकी स्टोरीज दिखाई गई, उनके ऊपर डिबेट की गई इलेक्शंस के ऊपर। मेनली बिकॉज फ्रॉम वन एरिया देयर हैड बीन रिपोर्ट ऑफ वाइड स्प्रेड वायलेंस। तो जो एक एरिया था ना, वहाँ पर वोट्स को लेकर या इलेक्शन को लेकर वहाँ पर हिंसा हुई, मारधाड़ हुई, लड़ाई हुई, दंगे हुए, वॉट एवर। मानसी लर्न द पंचायत इलेक्शन टेक प्लेस टू इलेक्ट लोकल गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज। मानसी ने क्या पढ़ा कि पंचायत इलेक्शन जो होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट का होता है, और वो रूरल एरियाज मतलब गाँव में होते हैं पंचायत इलेक्शंस। हु कंटेस्टेड दीज इलेक्शंस शी वंडर्ड। वो हैरान थी कि इनको कौन करवाता है, इन इलेक्शंस को कौन करवाता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसी चैप्टर में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फंक्शंस और उनके बारे में पढ़ेंगे, जो विलेजेस में होते हैं और जिनको हम पंचायती राज भी बोलते हैं। पंचायती राज इज़ अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये एक सेल्फ गवर्नमेंट है, खुद से बनाई गई गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जो विलेज में होता है। थ्रू दिस, इसके ज़रिए लोकल जो आम जनता है वहाँ की, वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, अपने इलाके के अंदर, एंड आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व देयर ओन लोकलाइज्ड प्रॉब्लम। वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को वो लोग जो हैं सॉल्व करते हैं। स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है इसका? द पंचायती राज इज थ्री टायर सिस्टम। थ्री टायर सिस्टम है ये एक। फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स एंड विलेजेस। तो हर जो स्टेट है वो डिवाइड किस किस में है? डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में और विलेजेस में। द पंचायती राज वर्क एट थ्री लेवल्स। तीन लेवल्स के अंदर पंचायती राज को बांटा गया है या काम करती है। पहला, वो विलेज लेवल के अंदर काम करती है तो उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। फिर ब्लॉक लेवल के अंदर काम करती है तो वो कहलाती है ब्लॉक समिति या पंचायत समिति। और तीसरा, डिस्ट्रिक्ट या जिला लेवल के अंदर काम करती है तो वो जिला परिषद कहलाती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और कुछ नाम्स आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे। पहले विलेज ग्राम पंचायत आता है, उसके ऊपर ब्लॉक समिति, उसके ऊपर जिला परिषद। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड लेवल हो गया, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे ग्राम सभा की। ग्राम सभा, द सभा, ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द न्याया पंचायत, न्याय पंचायत फ्रॉम द ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। ये तीन चीज़ें जो हैं ये किसके अंडर आती हैं? विलेज लेवल में, मतलब फर्स्ट लेवल के अंदर आती हैं, विलेज लेवल में, ठीक है। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और ग्राम सभा। इसके बाद द ग्राम सभा इज द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है यहाँ पर प्रशासनिक, मीन्स जो रूल करता है, ठीक है, प्रशासनिक मीन्स जो रूल करता है। तो रूल करने वालों की सबसे ये बेसिक यूनिट है ग्राम सभा। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन इन अ विलेज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। ये किन से बना होता है? सारे मेन और वुमेन से, ठीक है, जो गांव में 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं। हु हैव द राइट टू वोट, जिनके पास राइट टू वोट है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज लेस, 2-3 विलेजेस कैन हैव वन ग्राम सभा। अगर एक गांव की पॉपुलेशन, वहां के रहने वाले लोगों की संख्या कम है, तो 2-3 गांव मिलकर एक ग्राम सभा बना सकते हैं। क्लियर?
द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्टेड अ लीडर हु इज द सरपंच। तो ये सब मेंबर्स जो ग्राम सभा के, यहाँ पर जो ग्राम सभा के मेंबर्स है ना, वो उन सबका एक लीडर होता है, वो सरपंच होता है, ठीक है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द पंचायत प्रेसिडेंट, और उसको पंचायत प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। इसके बाद है द ग्राम सभा हैज द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ग्राम सभा के क्या फंक्शंस होते हैं? इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग दैट ग्राम पंचायत परफॉर्म्स इट्स ड्यूटी एफिशिएंटली। मतलब ग्राम सभा जो है वो देखती है, इंश्योर करती है, श्योर करती है कि ग्राम पंचायत जो है अपनी ड्यूटीज अच्छे तरीके से कर रहा है। इट अप्रूव्स ऑल द प्लान फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा जो है, यहाँ पर जो इट है ना, वो सब ग्राम सभा है, इट, ठीक है। ग्राम सभा जो है वो अप्रूव करती है सब प्लान्स को, जितने भी वर्क के प्लान्स बने होते हैं उन सबको अप्रूव कर देती है अगर वो ठीक है तो। वो इवेल्यूएट करती है वर्क को, उनके किए गए काम को देखती है, सुपरवाइज करती है, एंड द अकाउंट्स ऑफ इनकम, और उस पर कितना पैसा लगा, कितना आया, सारा अकाउंट जो है इनकम का, और खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, जितना भी खर्चा किया है वो सब काम देखती है ग्राम पंचायत का। कौन देखता है? ग्राम सभा। इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के जितने भी पावर्स हो, ग्राम पंचायत पर जो भी काम होता है वो सब की पावर ग्राम सभा है। ग्राम सभा हैज द पावर टू रिमूव। अच्छा, ग्राम सभा का को पावर है कि वो किसी भी पंचायत के मेंबर को निकाल सकती है अगर उसने मिसयूज किया है उनके पैसे को, ठीक है। ग्राम सभा हेल्प द ग्राम पंचायत टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, और ग्राम सभा जो है वो हेल्प करती है ग्राम पंचायत को ताकि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपना काम करे। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में, कॉमिक फॉर्म में दे रखा है, आप ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पर ग्राम सभा एट वर्क, ग्राम सभा कैसे काम करती है वो बताया गया है। तो एक एक ब्लॉक को पढ़ते हैं हम, आप पिक्चर्स को क्लियरली देखना, ठीक। यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक है, इट इज द डे ऑफ ग्राम सभा मीटिंग। दिन, ये दिन जो है दिखाया गया है, ये ग्राम सभा की मीटिंग का है। बहुत सारे नंबर्स ऑफ मेन एंड वुमेन हैव असेंबल्ड अंडर द एशियंट बनियन ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज। तो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि किस तरह से एक बड़े से बनियन ट्री के नीचे बैठकर उनकी ग्राम सभा लगती है, ठीक है। ग्राम का मतलब गांव, सभा, ठीक। अब ये सरपंच है, द सरपंच रामलाल एड्रेसेस द गैदरिंग, उसने इस सारी सभा को बुलाया है। भाइयों और बहनों, द एजेंडा ऑफ आवर मीटिंग टुडे इज अ पास अ प्रपोजल टू रिपेयर द रोड इन फ्रंट ऑफ द प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग। तो ये ग्राम पंचायत जो है, सरपंच जो है, वो बताती है कि आज की मीटिंग का मेन पर्पस क्या है। तो क्या था पर्पस? कि रिपेयर करानी है किस रोड को, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के आगे जो रोड है उसको रिपेयर करवाना है। वहां से एक मेंबर खड़ा हुआ और उसने बोला, ड्यूरिंग द रेन्स, जब भी बरसात का टाइम होता है तो रोड जो है वो पूरी पानी से भर जाती है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है स्कूल जाने के लिए, ठीक। वहां से फिर एक वुमेन ने बोला, द वुमेन मेंबर सेज वी मस्ट रिपेयर द रोड इमीडिएटली, हमें जल्दी से जल्दी इस रोड को ठीक करवा लेना चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, दैट द चिल्ड्रन आर एबल टू गो टू स्कूल सेफली, ताकि बच्चे स्कूल सेफली जा सकें। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऑल द मेंबर्स एग्री, सारे पंचायत के सारे मेंबर्स एग्री हो गए, सबने डिसाइड करा ग्राम पंचायत इस पर काम करेगी, रोड बनाने का काम करेगी जल्द से जल्द, ठीक। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। रामलाल देन कॉल्स एन एल्डरली फीमेल, वहां से रामलाल ने एक बुजुर्ग महिला को बोला, लज्जो देवी
हु कम्स एंड स्टैंड्स एट द मिडल, जो गांव वालों के बीच में खड़ी है. ऑल द पीपल स्टार्ट विस्परिंग, सब लोग कानाफूसी करने लग गए. रामला सेज, लज्जो देवी यू हैव नॉट पेड योर टैक्सेस फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, आपने कुछ पिछले कुछ महीनों में अपने जो टैक्स थे वो पे नहीं किए हैं. इसके अलावा बहुत सारे आपको रिमाइंडर्स, मतलब बार बार आपको बताया गया था कि अपना टैक्स पे कर दो, आपने टैक्स नहीं पे करे. व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें या हमें क्या करना चाहिए. सर, अब वो आंसर करती है, सर आई विल पे माई ऑल टैक्सेस सून, मैं अपने टैक्सेस जल्दी ही जमा करा दूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी. आई कुड नॉट पे बिकॉज, मैं नहीं पे कर पाई टैक्सेस क्योंकि मैं आई वॉज आउटसाइड द विलेज फॉर वर्क फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स, मैं गाँव के बाहर जाती हूँ काम करने के लिए पिछले कुछ महीनों से, मुझे पनिश मत कीजिए. लज्जो देवी प्लीज हर हैंड फोल्डेड, उसने हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट की. इसके बाद वी कैन गिव यू अ मंथ ऑफ, मतलब एक महीने का, वी कैन गिव यू अ मंथ टाइम, एक महीने का टाइम देते हैं हम आपको. यू हैव टू क्लियर ऑल योर ड्यूज, आप अपने सारे ड्यूज, जितने भी आपके टैक्सेस रहते हैं टाइम रहते कंप्लीट कर लीजिए, रामलाल ने कहा. इसके बाद नेक्स्ट ऑन द एजेंडा इज टू अप्रूव द ग्राम पंचायत बजट. अब नेक्स्ट एजेंडा क्या था कि ग्राम पंचायत का बजट तैयार करो, रामलाल ने कहा, और वो मीटिंग कंटिन्यू हो गई. ठीक, अब नेक्स्ट पेज की तरफ, ग्राम पंचायत. एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, जो भी विलेज पंचायत है वो वार्ड्स के अंदर डिवाइड है. ठीक, जैसे छोटे छोटे एरियाज में ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज वार्ड मेंबर या पंच. हर वार्ड का एक लीडर होता है जिसको वार्ड मेंबर या पंच बोला जाता है. ठीक है, सरपंच, पंच. द सरपंच एंड द वार्ड मेंबर्स और द पंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत. तो ये जो है एक सरपंच और बाकी वार्ड मेंबर्स मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं. ग्राम पंचायत मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 सालों तक एक पंचायत काम करती है, उसके बाद अलग लोग सिलेक्ट किए जाते हैं. सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर मेंबर्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स भी रखी जाती हैं. 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, और उसका 50% जो है वुमेन के लिए रखा जाता है. द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी, उसका एक सेक्रेटरी होता है हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा. तो ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है. ही इज नॉट इलेक्टेड, उसको चुना नहीं जाता, बट ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है. द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल, अब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फॉर कॉलिंग द मीटिंग्स, वो मीटिंग्स बुलाता है ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, और वो पूरी मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखता है, जितना काम किया गया है, जो होने वाला है, जितना फ्यूचर में करवा, उन सब का रिकॉर्ड रखता है. फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या हैं. बेसिक अमेनिटीज देना, लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स देना, जैसे साफ पानी पीने के लिए देना, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज देना विलेजर्स को, मेंटेनिंग वेल टैंक्स एंड पंप्स. ठीक, कलेक्टिंग टैक्सेस एंड फीस, मेंटेनिंग हेल्थ केयर सेंटर्स एंड प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द पीपल, लोगों के लिए रोड बनवाना, गलियां बनवाना, लाइट्स लगवाना, मेंटेन रिकॉर्ड बर्थ डेथ और बर्थ के रिकॉर्ड रखना. ठीक, प्रोवाइड करना एजुकेशन फैसिलिटीज और कंस्ट्रक्ट करना स्कूल्स की बिल्डिंग को, उनको मेंटेन करना, लुकिंग ओवर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ विलेज प्रॉपर्टीज, और जो भी बिकता है गांव में या जो भी खरीदा जाता है उनके ऊपर नज़र रखना. सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकी क्या इनकम का सोर्स है. ठीक है, टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन, जब ये पूरे ये काम करते हैं, द ग्राम पंचायत गेट्स ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. तो ग्राम पंचायत को तनख्वाह कहाँ से मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से. इट इज़ ऑल्सो इम्पोज टैक्सेस ऑन द हाउसेज, अच्छा वो टैक्सेस भी लेते हैं हाउस पर, शॉप्स पर, फार्म्स इन द विलेज, एंड गेट्स अ शेयर फ्रॉम द सेल ऑफ कैटल
एंड प्रॉपर्टी इन द विलेज, और वहाँ से भी शेयर मिलता है अगर कोई अपने पशुओं को बेचता है या कोई विलेज की प्रॉपर्टी को बेचता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्याय पंचायत। न्याय पंचायत एक मिनी कोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्याय पंचायत इज लाइक अ मिनी कोर्ट। ठीक, देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर थ्री और फोर विलेजेस। एक न्याय पंचायत होती है तीन चार विलेजेस की मिलकर, मतलब तीन चार विलेजेस को मिलाकर उनकी एक ही कोर्ट होता है, एक ही न्याय पंचायत होता है। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत, और इसके मेंबर्स न्याय पंचायत के मेंबर्स जो है ग्राम पंचायत इलेक्ट करती है। न्याय पंचायत हैज फॉलोइंग फंक्शंस, अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो देखो। अच्छा, छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो हो जाती हैं विलेज के अंदर उसको सॉल्व कराता है, छोटी मोटी चोरियाँ हो जाती हैं उसको सॉल्व कराता है न्याय पंचायत, और लोगों को जल्द से जल्द न्याय देता है। न्याय पंचायत कैन इम्पोज फाइन्स, वो लोगों को फाइन भी भरने को बोल सकता है अगर किसी इंसान ने गलती करी है, बट इट कैन नॉट सेंड हिम टू द प्रिजन। लेकिन न्याय पंचायत जो है जेल नहीं भेज सकता किसी को भी। ठीक है, सॉल्व करेगा उसको फाइन कर देगा, लेकिन कैन नॉट सेंड हिम टू प्रिजन। प्रिजन का मतलब जेल, जेल नहीं भेजेगा। इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई उसके न्याय पंचायत के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो हायर कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। ब्लॉक समिति क्या है इन स्टेट्स, अब स्टेट्स के अंदर जहां पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा हो जाती है वहां पर ब्लॉक समिति बनती है। ठीक है, और ब्लॉक कितने जनों का बनता है, 20 से 60 गांव का एक ब्लॉक बनता है, मतलब 20 से लेकर 60 गांव तक एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, इट इज लिंक बिटवीन द, अब ये किसके बीच का लिंक है, ब्लॉक समिति इज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे मेंबर्स मिलाकर बनता है ब्लॉक, बिकम द मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक समिति के मेंबर्स मिलकर यहाँ से बनते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से और लेजिस्लेटिव असेंबली से। सीट्स इनके लिए यहाँ पर भी रिजर्व की जाती है वुमेन के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। सम मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति, और जो कुछ मेंबर्स ब्लॉक समिति के हैं उनको इलेक्ट किया जाता है पीपल ऑफ द ब्लॉक, मतलब गाँव के ही ब्लॉक्स में से इलेक्ट किया जाता है। द ब्लॉक समिति मेंबर इलेक्ट अ चेयरपर्सन, अब वहाँ का एक हेड भी होगा तो वो चेयरपर्सन या प्रमुख होता है, एज वेल एज उसका वाइस चेयरमैन और या उप प्रमुख होता है, मतलब एक प्रिंसिपल हो गया और एक वाइस प्रिंसिपल हो गया, इस तरह से समझो। प्रिंसिपल को प्रमुख बोला गया है और वाइस प्रिंसिपल को प्रमुख बोला गया है ब्लॉक समिति का। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स ब्लॉक्स डेवलपमेंट ऑफिसर BDO टू टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक BDO बनाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाता है, चुनता है, ताकि वो इस एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल कर सके। फंक्शंस ऑफ ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति के क्या फंक्शन है कि ये नजर रखती है, सुपरवाइज करती है वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, हर गांव के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर ग्राम पंचायत के काम पर नजर रखती है। ये बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाती है और रिलीफ वर्क ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ड्रॉट्स एंड नेचुरल डिजास्टर, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई तो ये उस पर काम करती है, और कभी सूखा पड़ जाए, पानी ना हो गाँव के अंदर, तो उस पर काम करती है। इट प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन। ब्लॉक समिति की इनकम जो है वो आती है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, और वहाँ पर भी टैक्सेस पे कर दिया जाता है, और अगर पशुओं की एग्जीबिशन लगती है, मेले लगते हैं, एज वेल एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब को मिलाकर ब्लॉक समिति की इनकम बनाई जाती है इन सब के पे टैक्सेस करने के बाद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ, जिला परिषद। जिला परिषद द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज, अब इन सबसे ऊपर आता है जिला परिषद। इट वर्क्स
एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एक्ट्स लिंक बिटवीन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट के लिंक रखता है जिला परिषद. क्लियर. अब इसका कॉम्पोजिशन, ये बनती कैसे है जिला परिषद. द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फॉर 5 years. 5 सालों के लिए ये बनाया जाता है जिला परिषद. ठीक है. मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद. तो यहाँ कौन कौन से मेंबर्स ऐड होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, इन सबको मिलकर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद. प्रमुख जो प्रिंसिपल था, प्रमुख ऑफ ऑल ब्लॉक समितिज. अब सारे ब्लॉक समितिज के जितने भी हेड थे, लीडर थे, प्रमुख थे, वो जो है जिला परिषद के मेंबर बनते हैं, बिकम द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद. सीट्स और यहाँ पर भी सीट्स रखी जाती हैं. शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइज बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन के लिए. द मेंबर इलेक्ट अ प्रेसिडेंट. इनका भी, जिला परिषद का भी एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है. क्लियर इतना. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु इज एन IAS. उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को IAS भी बोला जाता है. द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ जिला परिषद. इसकी मेन सोर्स कहाँ से आती है, इनकम कहाँ से मिलती है, जितने भी ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट से, टैक्सेस जब पे कर दिए जाते हैं लोगों के द्वारा, रेंट कलेक्ट कर लिया जाता है हाउसेस का, शॉप्स का, वहां के बाद इसकी इनकम आती है. फंक्शंस ऑफ जिला परिषद. जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट. जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट होती है वो जिला परिषद के अंदर होती है. इट एक्ट्स एज द लिंक. ये किसके लिंक के अंदर काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समिति या ग्राम पंचायत के अंदर. ये पूरे काम की देखरेख करता है जो ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति करती है. इट लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. जितनी भी छोटी स्केल पर इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी ध्यान रखता है, उनका डेवलपमेंट कराता है. एंड ओपनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द डिस्ट्रिक्ट. इट इम्पार्ट्स न्यू टेक्निक्स. नई टेक्निक से लोगों को रूबरू कराता है. ऑफ ट्रेनिंग टू फार्मर्स. फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटेन किए जाते हैं पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स. द इट मेंटेन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मेंटेन करता है, हॉस्पिटल्स को मेंटेन करता है गाँव के अंदर. एंड कंडक्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स. और इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं, वो जो कैंप लगते हैं इंजेक्शंस लगने के, वो करवाता है. जिला परिषद जो है स्कूल बनवाता है विलेज के अंदर. और लोगों से अनपढ़, जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए पढ़ाई को अरेंज करता है. और बहुत सारे ऐसे लिटरेसी प्रोग्राम बनाए जाते हैं. इट सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर 5 year प्लान्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. अब 5 साल के अंदर जितने भी प्लान्स या प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी निगरानी के अंदर ही की जाती है. नेक्स्ट है पंचायती राज. पंचायती राज हैज टेकन डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट लेवल. इट हैज मेड पॉसिबल फॉर पीपल लिविंग इवन इन रिमोट विलेजेस टू पार्टिसिपेट इन अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स. पंचायती राज जो है वो एक डेमोक्रेसी का जो है, हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो डेमोक्रेसी का ग्रास रूट लेवल है, जड़ है. ठीक. इट हैज मेड पॉसिबल. इस पंचायती राज ने लोगों के लिए ये मुमकिन कर दिया, लोगों के लिए ये पॉसिबल कर दिया, जो विलेज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए पॉसिबल करा कि वो गवर्नमेंट से कैसे अटैच हो पाए. एज लोकल पीपल आर इन पावर एट वेरियस लेवल ऑफ पंचायत. अब यहाँ पर पंचायत गांव में लोकल पीपल जो है वो किस तरह से पावर के अंदर आते हैं. दे एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल. वो लोगों को समझते हैं, किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं. एज द रिजल्ट ऑफ पंचायती राज इवन अ पुअर लिटरेट पर्सन इन विलेज इज अवेयर इट्स पॉलिटिकल राइट्स एंड फील स्ट्रेंथेंड विद अ सेंस ऑफ पावर. तो ये सारा रिजल्ट जो है ये पंचायती राज का रिजल्ट है. जहाँ पर एक अनपढ़
गरीब लोग जो हैं वो किस तरह से अवेयर होते हैं, किस तरह से उनको जानकारी दी जाती है, किस तरह से वो पढ़ते हैं, पढ़ाई के महत्व को समझते हैं, किस तरह से वो पॉलिटिकल राइट्स को समझते हैं, तो ये सब काम होता है पंचायती राज के अंडर। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज, पार्टिसिपेशन किस तरह से वुमेन को पार्टिसिपेट करती है। वुमेन आर इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा नंबर में जो अब वुमेन है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं पंचायती राज सिस्टम में। दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, वो ग्राम सभा की भी मेंबर्स हैं। वुमेन जो है वो चाहती हैं, दे वॉन्ट कॉन्टेक्स्ट, वो पंचायत इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, जबकि बहुत सारे एरियाज में वुमेन जो है सरपंच भी हैं। इवन सम हैव ऑल वुमेन पंचायत, और कई कुछ विलेजेस में तो पूरी पंचायत जो है वो वुमेन्स की है। ठीक, इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप द गवर्नमेंट हैज रिजर्व 50% ऑफ ऑल सीट्स इन द पंचायत फॉर वुमेन। तो गवर्नमेंट ने क्या रिजर्व किया है, 50% जो है सीट्स जो है पंचायत में वो वुमेन की रहेगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, वुमेन आर एबल टू प्ले अ बिगर रोल इन द पंचायत। ठीक, मोर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ज्यादा से ज्यादा जब महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी तो बेटर मैनेजमेंट फंड्स, फंड्स का मतलब पैसे की बेटर मैनेजमेंट होगी, बेटर अप्रोच टूवर्ड्स प्रोजेक्ट्स, इश्यूज, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, लड़कियों की पढ़ाई की तरफ ध्यान रखा जाएगा, डोमेस्टिक जो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं उस पर ध्यान रखा जाएगा, और एल्कोहल डी एडिक्शन, और लोगों को शराब से छुड़वाया जा सकता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे लास्ट टॉपिक है पंचायती राज, अ ब्रीफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू। इन जनवरी 1957 अ कमिटी वॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक कमिटी बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट एंड फ्रीडम फाइटर बलवंत राय मेहता टू एग्जामिन द फंक्शन, वो क्या एग्जामिन करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी प्रोग्रेस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 एंड रिकमेंडेड वेज टू इम्प्रूव देम। उसको एग्जामिन करेंगे, इन फंक्शंस को एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद उसके बारे में और उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए उसकी वेस, उसके तरीके बताएंगे। द कमिटी बेटर नोज एज बलवंत राय मेहता कमिटी, इस कमिटी को बलवंत राय कमिटी के नाम से जाना जाता है, प्रेजेंटेड अ रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन दैट फाइनली केम टू बी नोन एज पंचायती राज। तो इस कमिटी को जब उन्होंने एक रोड मैप की तरह प्रेजेंट करा, उसकी स्कीम्स के बारे में बताया, फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, तो फाइनली वो सब होने के बाद वो कहलाया पंचायती राज, कहाँ से नाम आया पंचायती राज। द कमिटी प्रपोज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3-tier पंचायती राज सिस्टम। इस कमिटी ने क्या बताया कि 3-tier पंचायती राज सिस्टम होगा, कौन कौन सा, ग्राम पंचायत एट अ विलेज लेवल, पंचायत समिति एट अ ब्लॉक लेवल, एंड तीसरा टायर क्या था, जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमने विलेज पंचायत भी पढ़ लिया, हमने ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति भी पढ़ लिया, हमने जिला परिषद भी पढ़ा। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वॉज अप्रूव्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट, NDC ने इस कमिटी का, इस पंचायती राज को अप्रूव करा इन जनवरी 1958। दिस सिस्टम वॉज अडोप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इस सिस्टम को स्टेट गवर्नमेंट ने अडोप्ट करा 1950s और 60s में, और जो लॉ पास किए गए पंचायत को एस्टेब्लिश करने के लिए वो अलग अलग स्टेट्स में थे। इट ऑल्सो फाउंड इन बैकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द 73rd अमेंडमेंट इन 1992 टू एकोमोडेट द आइडिया। तो 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो लॉज लिखे गए हैं उसका 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में था वो इसी आइडिया को, इस पंचायती राज को एकोमोडेट मतलब अपनाने के आइडिया को बताया गया था। नेक्स्ट है द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 कंटेन
provision for the development of powers and responsibilities to panchayats, both for preparation of economic and development plans and social justice, as well as for implementation in relations to 29 subjects listed in the 11th schedule of the constitution. अब इस amendment के अंदर 1992 में इसमें बताया गया था किस तरह से devolution of powers को, किस तरह से powers को लागू करा जाए, responsibilities दी जाए panchayats को, ताकि वो prepare रहे किसके लिए, economic development plan के लिए और लोगों की social justice, लोगों के न्याय के लिए, एज वेल एज इसी के साथ जो रिलेशन 29, इसके अलावा जो 29 सब्जेक्ट्स थे जो 11th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए थे, उन सबको लागू करना था. तो ऑन 24 अप्रैल 1993 द कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स. अब ये 24 अप्रैल 1993 में ये सारा एक्ट को इकट्ठा किया गया, उसको एम दिया गया 3-tier सिस्टम का, ठीक है, पंचायती राज के, और सारी स्टेट्स के अंदर जहां पर पॉपुलेशन ऑफ ओवर 2 मिलियन थी, दे एक्ट क्लियरली स्टेट, इस एक्ट ने साफ साफ बताया दैट द पंचायत इलेक्शन वुड बी हेल्ड फॉर 5 ईयर्स रेगुलरली. फिर वहां से ये नियम लागू किया गया. कुछ परसेंटेज सीट्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और वुमेन के लिए रखी जाएगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में. फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन ने ये भी सेटअप किया कि रिकमेंडेशन रिगार्डिंग दीज इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में उनको बताया जाएगा. द एक्ट वॉज सब्सिक्वेंटली, इसी तरह से उस इस एक्ट को 1992 का जो एक्ट था ये, इसको धीरे धीरे एक्सटेंड कर दिया गया ट्रिबल एरियाज में ऑफ 8 states की जो थी, नेमली गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड ओडिशा. 1996 और 1997 में यहाँ पर भी इनको लागू कर दिया गया धीरे धीरे धीरे. एट प्रेजेंट, अब के टाइम की अगर बात करें हम, द पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, सब जगह पंचायती राज जो है वो फैला हुआ है. कहाँ पर नहीं फैला, एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, यहाँ पर नहीं है. एंड इन ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सपेक्ट दिल्ली. ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर कौन सा रीड करा है हमने, 5 सिविक्स क्लास 6 फिनिश बायो टीचर देवेंद्र कौर. अगर आपको कहीं कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. इसके बाद आप लोग इस चैप्टर की समरी को रीड कर लेंगे, इसके बाद ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी डिफाइंस है, इनको करेंगे एंड देन हम लोग करेंगे इसके बाद बैक एक्सरसाइज. ठीक, बैक एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, आंसर इन ब्रीफ है और आंसर इन डिटेल है. ठीक, इसके बाद हॉट्स है एंड देन योर चैप्टर इज कंप्लीट. चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. अच्छी तरह से रीड कीजिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो देन डू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. टिल देन टेक केयर.